और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ CPI ML को जोड़ दीजिए, CPI ML का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में नेताओं के साथ घूमने से, उनके साथ बैठकर चाय बिस्किट खाने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष एकजुट नहीं होगा, इसके लिए काम भी करना पड़ता है। ये नसीहत प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है। बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज पद यात्रा में है, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूमते हैं, अलग अलग जिलों में भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं और साथ ही साथ बिहार के की सरकार के नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुहिम पर भी सवाल उठाया है और कहा है, उन्हें नसीहत दी, यानी सीएम नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने नसीहत दी है और कहा है कि दूसरे प्रदेशों में आप घूम रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ आप जो मिल रहे हैं, चाय बिस्किट खा रहे हैं, इससे विपक्ष एकजुट नहीं होगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का, किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, आपको उनकी पूरी बातों को सुनना। और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और RJD और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और CPI, CPIM और CPIML कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता यह है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहां CPIML को जोड़ दीजिए, CPIML का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 MLA जीती है, CPIML 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से CPIML को ज्यादा MP में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे? विपक्षी एकता के लिए जाकर बात करने, बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 MP का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, CPIML मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है, नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा।